Hello students, welcome to SS class. In previous class we have read about means of communication, that is divided into two parts, that is individual communication and mass communication. We have read about both parts. Today we will read about advertisement. मास मीडिया अर्न मनी थ्रू एडवर्टाइजमेंट्स. जो मास मीडिया है बेटा वो किससे अर्न मनी करता है, किससे पैसे कमाता है? एडवर्टाइजमेंट से. वेरियस कंपनीज स्पेंड ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी टू एडवर्टाइज देयर प्रोडक्ट्स. बहुत सारी कंपनीज क्या करती हैं, बहुत सारी अलग अलग कंपनीज बहुत सारा पैसा खर्च करती है एडवर्टाइज करने के लिए अपने प्रोडक्ट्स की. किसकी? अपने प्रोडक्ट्स की, मतलब जो चीज़ें उन्होंने बनाई है उसकी ऐड करने के लिए वो बहुत सारा पैसा खर्च करती है. कौन? कंपनीज, बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती हैं, ठीक है. वरना तुम्हें पता कैसे चलेगा उन्होंने क्या प्रोडक्ट बनाया है? जैसे साबुन की ऐड आती है, लाइफ बॉय है, जहां तंदुरुस्ती है वहां, तो ये ऐड है. इस तरह की ऐड वो बनाते हैं कि वो अट्रैक्ट करती है लोगों को, ठीक है, तो लोग उन चीज़ों को खरीदते हैं. तो वो इस तरह से एडवर्टाइजमेंट बनाती हैं कि वो लोग उनसे अट्रैक्ट हो, ठीक है. सम एडवर्टाइजमेंट आर कंसर्न्ड विद सोशल इश्यूज. कुछ एडवर्टाइजमेंट किससे संबंधित है? सोशल इशू, मतलब सामाजिक मुद्दों से, ठीक है. समाज में क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं उसे रिलेटेड है कुछ एडवर्टाइजमेंट. सोशल एडवर्टाइजमेंट्स मेक पीपल अवेयर ऑफ वेरियस सोशल प्रॉब्लम्स. तो सोशल एडवर्टाइजमेंट क्या करती हैं? वो लोगों को अवेयर मीन्स जागरूक करती हैं अलग अलग सोशल सामाजिक दिक्कतों के बारे में, ठीक है. जैसे अब कोरोना चला हुआ है तो कोरोना से कैसे हम बच सकते हैं, तो वो ऐड आती है ना, बार बार हाथ धो, मास्क लगाकर ही घर से निकले, जब ज़्यादा ज़रूरी हो तभी घर से निकलें. तो इस तरह जो समाज में दिक्कतें आ जाती हैं तो उनसे हमें कैसे लड़ना है वो बताती हैं ऐड, ठीक है. सामाजिक इश्यूज़ पे, सोशल इश्यूज़ पे जो ऐड होती हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या सेव ट्रीज, ये सारी कैसी ऐड है? ये सारी ऐड है सोशल इश्यूज पे, ठीक है. द प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया डू नॉट चार्ज एनी मनी फॉर सच एडवर्टाइजमेंट. ऐसी एडवर्टाइजमेंट जो सोशल इशू पे होती हैं, बनती हैं, उसका कोई चार्ज नहीं लेता, चाहे हम वो न्यूज़पेपर में प्रिंट कराए, चाहे वो टीवी पे आती हो या रेडियो पे आती हो, तो उसका चार्ज नहीं लगता बेटा, ठीक है. नेक्स्ट वी विल रीड अबाउट सैटेलाइट्स. सैटेलाइट्स क्या होते हैं? सैटेलाइट्स आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर ऑफ टू टाइप्स बेटा. हमारा नेचुरल सैटेलाइट कौन सा है? मून. मून है ना, जो धरती के चारों तरफ घूमते हैं, ठीक है, घूमता है, तो इसलिए उसको सैटेलाइट बोलते हैं और वो हम नेचुरल सैटेलाइट है. दूसरा टाइप का सैटेलाइट कौन सा होता है? आर्टिफिशियल सैटेलाइट. दूसरे टाइप के सैटेलाइट कौन से होते हैं? आर्टिफिशियल सैटेलाइट. आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर लॉन्च्ड इनटू स्पेस बाय रॉकेट्स. मतलब वो स्पेस में किस तरह भेजे जाते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट? रॉकेट्स के द्वारा वो स्पेस में छोड़े जाते हैं. दे कंटिन्यूसली ऑर्बिट द अर्थ. वो कंटिन्यूसली मतलब लगातार, ऑर्बिट मतलब घूमते हैं, अर्थ के चारों तरफ घूमते रहते हैं लगातार, वो चक्कर लगाते रहते हैं. किसके? अर्थ, अर्थ प्लैनेट है ना, प्लैनेट के चारों तरफ जो घूमते हैं उन्हें सैटेलाइट कहते हैं. देयर आर डिफरेंट सैटेलाइट्स फॉर डिफरेंट पर्पस. अलग अलग पर्पस मीन्स उद्देश्य या काम कह सकते हैं, तो अलग अलग काम के लिए अलग अलग सैटेलाइट्स हैं. अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स के बारे में. फर्स्ट इज आवर वेदर सैटेलाइट. पहला है हमारा वेदर सैटेलाइट. ये क्या करता है? दीज सैटेलाइट्स आर प्राइमरली यूज टू मॉनिटर द वेदर एंड क्लाइमेट ऑफ द अर्थ. ये सैटेलाइट्स क्या करता है? मुख्यतः मॉनिटर करता है, यानी निरीक्षण करता है. किसका? वेदर का, मौसम का और जलवायु का. अर्थ पे जो मौसम और जलवायु है उस पे मॉनिटर रखता है, उसका निरीक्षण करता है. दीज पिक्चर हेल्प इन फोरकास्टिंग वेदर. ये पिक्चर हमें हेल्प करती है, पिक्चर लेकर भेजता है वो जमीन पर. ये पिक्चर किसमें हेल्प करती है? फोरकास्टिंग वेदर, मतलब फोरकास्टिंग होता है पहले वेदर बताना. जैसे न्यूज़ में पहले ही बता देते हैं कि कल का दिन कैसा रहेगा, या नेट पे तुम सर्च करते हो तो पहले ही बता देते हैं कल बारिश आएगी, तो उसे कहते हैं फोरकास्टिंग वेदर. इज इट क्लियर बेटा? नेक्स्ट इज जियोग्राफिकल सैटेलाइट. अगला है जियोग्राफिकल सैटेलाइट. दीज सैटेलाइट्स आर यूज टू गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट द नेचुरल रिसोर्सेज. ये सैटेलाइट क्या करते हैं? ये हेल्प करती है
इकट्ठा करने में, गैदर मीन्स इकट्ठा करने में, कौन सी इन्फॉर्मेशन, कौन सी जानकारी अबाउट द नेचुरल रिसोर्सेस। नेचुरल रिसोर्सेस कौन से हैं हमारे, जैसे प्लांट्स हैं, वाटर है, सॉइल है, तो इनके बारे में जानकारी ये हमें ये वाला ज्योग्राफिकल सेटेलाइट देता है। दे ऑल्सो हेल्प इन मेकिंग एक्यूरेट मैप, ये हमें सही, बिल्कुल एक्यूरेट मतलब बिल्कुल सही मैप बनाने में भी हेल्प करता है। अब मैप कौन बनाता है, कार्टोग्राफर, तो कार्टोग्राफर को हेल्प मिल जाती है इन पिक्चर से कि कितनी मेजरमेंट रखनी है, कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, अगर किसी स्टेट का बना रहा है या अगर किसी कंट्री का मैप बनाना है तो ठीक है, तो उसको भी हेल्प मिलती है। नेक्स्ट इज आवर कम्युनिकेशन सेटेलाइट, अगला हमारा कम्युनिकेशन सेटेलाइट है। दीज सेटेलाइट्स आर मोस्ट वाइडली यूज सेटेलाइट्स नाउडेज, मतलब आजकल ये सेटेलाइट सबसे ज्यादा यूज हो रहा है, ठीक है। दे आर वेरी हेल्पफुल इन टेलीफोन, रेडियो एंड टेलीविजन कम्युनिकेशन, ये किस किस में हेल्प करता है, जो हम टेलीफोन पे बातें करते हैं, ठीक है, किसकी वजह से, इसी सैटेलाइट की वजह से हम टेलीफोन पे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। फिर रेडियो में हम प्रोग्राम सुनते हैं या गाने सुनते हैं या न्यूज़ सुनते हैं, टीवी में न्यूज़ देखते हैं, तो वो किसकी हेल्प से होता है, वो इस कम्युनिकेशन सैटेलाइट की हेल्प से ही हो रहा है, ये है, इसीलिए सिग्नल्स आ रहे हैं, ठीक है। अगर ये सैटेलाइट नहीं होता तो हम ना टीवी में प्रोग्राम देख पाते, ना हम रेडियो में गाने सुन पाते और ना ही हम टेलीफोन पे किसी को कम्युनिकेट कर पाते, ठीक है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स आर नोन एज स्पेस ब्रिज, ये स्पेस ब्रिज भी कहलाता है क्योंकि बेटा ये हमें कम्युनिकेशन में मदद करता है, तो ये एक ब्रिज की तरह है, जैसे रिवर पे ब्रिज बना होता है उसको पार करने के लिए, तो ये हमें कम्युनिकेट करने के लिए, एक दूसरे को कम्युनिकेट करने के लिए इसने हमें ब्रिज दिया है, इसीलिए ये कम्युनिकेशन सेटेलाइट क्या है, स्पेस ब्रिज कहलाता है। तो फर्स्ट इंडियन सेटेलाइट इनसेट 1A used in telecommunication service was launched on 10 April 1982. अभी ये बेटा फर्स्ट जो इंडियन सैटेलाइट था जिसका नाम था इनसेट 1A, ये किसके लिए यूज हुआ था, टेलीकम्युनिकेशन सर्विस के लिए, यानी टेलीफोन सर्विस के लिए यूज हुआ था। ये कब लॉन्च हुआ था, कब वो स्पेस में छोड़ा था इसको, 10 अप्रैल 1982 में, ठीक है बेटा। नाउ वी विल रीड अबाउट प्रिल्स ऑफ मॉडर्न कम्युनिकेशन, प्रिल्स ऑफ मॉडर्न कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे बेटा। जैसे हर चीज का एडवांटेज होता है और डिसएडवांटेज भी होता है, वैसे ही जो मॉडर्न कम्युनिकेशन है उनके एडवांटेज हमने पढ़ लिए, हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है, हमें मैप बनाने में हेल्प मिलती है, लेकिन इसके प्रिल्स यानी इससे खतरा क्या हो सकता है, ठीक है, तो इससे हमें खतरा भी है या डिसएडवांटेज कह लो, बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं। Although modern means of communication have increased our knowledge and the sphere of information and made it easier for us to keep in touch with each other, they have some adverse effect also. जब बेटा जो हमें ये मॉडर्न कम्युनिकेशन है हमारी नॉलेज बढ़ा रहे हैं, हमारी इन्फॉर्मेशन जानकारी का क्षेत्र बढ़ा रहे हैं, जैसे हमें जानकारी सारी जगह की जानकारी मिल जाती है नेट से, और इसने आसान कर दिया हमें एक दूसरे के टच में रहना, यानी दूर दूर लोग हैं तब भी हम उनके टच में रह सकते हैं, कैसे फोन पे बात करके, ठीक है, तो हम उनकी जानकारी हासिल कर सकते हैं, वो कैसे हैं, वो क्या कर रहे हैं, ये हमें पता लग जाता है। तो इन सब के साथ साथ उसके कुछ एडवर्स यानी विपरीत इफेक्ट, विपरीत असर भी हैं, कुछ उल्टे असर भी हैं, ठीक है। नाउ वी विल रीड अबाउट इफेक्ट्स ऑफ वॉचिंग टीवी फॉर लॉन्गर टाइम, अब इसमें है अगर हम टीवी वॉच करते हैं, टीवी क्या है, क्या है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, तो अगर हम ज्यादा देर तक टीवी वॉच करते हैं तो इट अफेक्ट्स आवर स्टडीज, जो बच्चा स्टडी कर रहा है, जैसे तुम पढ़ रहे हो तो उस पर अफेक्ट पड़ेगा स्टडीज में, तुम्हारे मार्क्स कम आएंगे, तुम पढ़ाई कम करोगे और टीवी ज्यादा देखोगे तो मार्क्स तो ऑब्वियसली कम आएंगे, है ना। इट ऑल्सो हार्म आवर आइज, मतलब अगर हम ज्यादा देर तक टीवी देखेंगे तो हमारी आंखों को भी नुकसान पहुंचाएंगे ये। इट कॉज एबसिटी, और ये मोटापे का भी कारण है, अगर हम बैठे बैठे एक जगह टीवी देखते रहते हैं, ना खेलते हैं, ना आउटडोर गेम्स खेलते हैं, ना इंडोर गेम्स खेलते हैं, तो बैठे बैठे खाते रहते हैं और टीवी देखते रहते हैं, तो क्या होता है, उससे मोटापा बढ़ जाता है। इफेक्ट्स ऑफ मोबाइल, अब मोबाइल के क्या क्या इफेक्ट हैं, इट कॉज एक्सीडेंट्स, जैसे ड्राइविंग के टाइम पे किसी का फोन आ जाता है, कोई फोन अटेंड करने में बिजी हो जाता है, तो क्या है, उसका कंसंट्रेशन बिगड़ जाता है और क्या होता है, एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, तो वो एक्सीडेंट का कारण है। फिर यूजिंग हेडफोन्स फॉर लॉन्ग टाइम में हार्म आवर ईयर्स, मतलब हेडफोन्स को बहुत ज्यादा देर तक यूज करने से हमारी कानों में दिक्कत आ सकती है, हम बहरे भी हो सकते हैं।
नाउ बेटा टुडे वी हैव रेड अबाउट एडवर्टाइजमेंट. सबको पता है टीवी में एडवर्टाइजमेंट आती है, सब देखते हो, न्यूज़पेपर में ऐड आती है, सब देखते हो ना, अपने स्कूल की भी तो ऐड आती है, ठीक है. उसके बाद सैटेलाइट्स के बारे में पढ़ा था एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स वी हैव रेड अबाउट और पेरिल्स ऑफ मॉडर्न कम्युनिकेशन और डिसएडवांटेजेस ऑफ मॉडर्न कम्युनिकेशन के बारे में हमने पढ़ा है. नाउ आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.